मुख्तार अंसारी की मौत के बाद कृष्णानंद राय का परिवार ये कह रहा है कि उन्हें न्याय मिला है। उन्होंने आज बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किए हैं, आपको दिखाते हैं। वो तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था, आज बाबा के विश्वनाथ के आशीर्वाद से कृपा से मुझे न्याय मिला है, क्योंकि CBI कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। सबसे पहले तो जितने बच्चे जितने परिवार अनाथ हुए हैं उसको बड़ा खुशी की बात है कि आज वो अपने को गर्व महसूस करते हैं कि ऐसे अपराधी का यहाँ से अंत हुआ है, इस धरती से बोझ खत्म हुआ है। दूसरे पक्षों के लिए उनको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए तो वो एक अपराधी में अपना मजहब ढूंढ रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि रमजान के इस महीने में ये फैसला आया है, अल्लाह का दरबार कहिए चाहे बाबा विश्वनाथ का दरबार कहिए, ये फैसला हम लोगों के बीच में है, इसको स्वीकार है। देखिए कृष्णानंद राय का परिवार और उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि आज उनको न्याय मिला है। हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से लगातार बने हुए इस बड़ी खबर पर आपको हर एक जानकारी देने के लिए, आइए आपको सीधे ग्राउंड पर लिए चलें। संजय का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। संजय, कितना वक्त लगेगा पोस्टमार्टम में, क्या कहा जा रहा है और कब तक ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आ जाएगी? शुरू हो गया दीपक, पोस्टमार्टम शुरू हो गया है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। सामने की तरफ जो रास्ता जा रहा है वहीं पर मॉर्चरी है, वहीं इस वक्त पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और लगभग मान के चलिए कि एक घंटे के आसपास का वक्त लगेगा जब ये पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो परिवार के लोग मौजूद हैं, मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी मौजूद है, उनके परिवार के दूसरे लोग मौजूद हैं, उनके कुछ रिश्तेदार मौजूद हैं, उनको ये सब सुपुर्द किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से पुलिस सुरक्षा के बीच में इस सबको मिर्जा क्षमा कीजिएगा गाजीपुर पहुँचाया जाएगा। तो पूरा जो तैयारियाँ हैं वो हो चुकी हैं, पुलिस अलर्ट पर है। थोड़ी देर में ये मान के चलिए कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी हो जाएगी और उसके बाद जो आगे का कार्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। तो मैं यही आपको जानकारी दे रहा हूँ इस वक्त कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है। दीपा, पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है और एक घंटे के भीतर एक संजय जानकारी दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद शव को बांदा से गाजीपुर ले जाया जाएगा। एक बार फिर से विनेश का रुख कर लेते हैं। विनेश, वहां पर लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है सुबह से कि सन्नाटा पसरा हुआ है वहां पर भी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लोग घरों में ही हैं, जो काम सुपुर्द खाक को लेकर है कुछ लोग हैं जो वहां पर कर रहे हैं जिनकी तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं, बाकी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर कैसे इंतजाम है? देखिए इंतज़ाम की अगर हम बात करें, मैं इस वक्त कब्रिस्तान में हूं, तो जो परिजन हैं और जो जो मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। भैया, ये जो प्रक्रिया है कब तक खत्म हो जाएगी? 2-3 घंटे में ये कब्रिस्तान पूरा हो जाएगा, कब्र पूरा हो जाएगा। हाँ, तो ये कब से चल रहा है? ये 9 बजे करीब से शुरू हुआ है। क्या क्या होगा, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई और क्या क्या इसमें रस्म होता है? ये 7.5 फुट लंबाई है और 5 फुट चौड़ाई है और 5 फुट इसकी गहराई है। कब तक खत्म हो जाएगा? 2-3 घंटे में ये मुकम्मल हो जाएगा, कब्र पूरा तैयार हो जाएगा। क्या क्या जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं इसमें, जैसे ये गड्ढा हो गया, फिर उसके बाद से इसमें और क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं? जैसे कि अभी तैयार हो जाएगा, उसके बाद वहाँ से डेड बॉडी आएगा, उसको गुसल कराया जाएगा, उसके बाद जाना जाएगा कि मतलब उसको स्नान कराएगा। हाँ, स्नान कराया जाएगा। तो गुसल कराने के बाद, स्नान कराने के बाद वो उनको जनाजे के लिए लाया जाएगा, जनाजे की नमाज होती है। केवड़ा डाला जाएगा, केवड़ा जिसके अंदर जब लाश आने फूल मतलब डाला जाएगा इसमें नहीं, नहीं पड़ेगा केवड़ा, गुलाब। अच्छा, गुलाब केवड़ा खाली छिटाएगा चार तरफ, उसके बाद लाश, गुलाब जल और उसके डाल के उसके बाद पटरा उटरा लगा के उसके बाद अच्छा, पटरा भी लगाया। हाँ, मिट्टी चार तरफ से लेवर के उसके बाद सबको इसमें क्या लगेगा? इसमें पटरे लगेंगे। अच्छा, जो भी बैर के हों या बांस की होगी पटरे, वो इस पे लगाए जाएंगे और इसके बाद जब सफाई हो जाएगी पूरी कब्रिस्तान मुकम्मल तरीके से, तो जब मुख्तार अंसारी साहब की यहाँ पे लाशें आ जाएंगी तो खाके सुपुर्द किया जाएगा। जब तो उसकी वजह से उसके बाद से वो अतर खुशबू देखने के बाद उनको लिटाया जाएगा, उसके फिर कब्र पे मिट्टी चल देने के बाद सारी जनता देगी मिट्टी और 70% से ज़्यादा हिंदू भाई यहाँ मिट्टी देंगे। 70% से ज़्यादा आज हिंदू भाई के घरों में खाना नहीं बना है, 70%, 30%, 70%, 70%, यही वजह है इन लोगों की जीत का। 35,000 वोट शिबतुल्ला साहब पाते हैं और 70,000 हिंदू भाई उन्हें सपोर्ट कर वोट देते हैं और यहाँ विधायक को बनते हैं। मैं ये देख रहा हूँ पूरे इलाके में एक सन्नाटा छाया हुआ है, हर घर बंद है, आँखें नम। जी,
इसलिए कि उनकी से मोहब्बत करने वाले थे, वो गरीबों की मजलूमों की बातों को सुना करते थे। किसी बेटियों की शादी नहीं होती थी, वहाँ उसकी शादियाँ कराने के लिए दहेज सामान पैसा दिया करते थे। उनकी पूरी फैमिली वही है। कोई मसीहा कहता है, कोई डॉन कहता है, कोई रहनुमा कहता है। रहनुमा कह सकते हैं, डॉन नहीं है वो, मुख्तार अंसारी डॉन नहीं है। ये कौन कहता है डॉन है? बिल्कुल ठीक है वीरेश, एक पूरी क्राइम कुंडली साथ साथ लगातार पूरे जीवन काल में चलती रही मुख्तार अंसारी की। अब यहाँ पर जो लोग मौजूद है वो कुछ और ही बात कह रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।